प्रणाम। इस गर्मी की छुट्टी कोरोना वायरस ने ऐसा तांडव नाचा कि मैं अपने मामा के घर नहीं जा पाऊंगा, जहां कि मेरे चचा के बच्चे, मेरे फूफा के बच्चे, मेरे ताऊ के बच्चे, मेरे साढ़ू के बच्चे और मेरी बीवी के ननद के बच्चे आने वाले थे। वहां खूब मजा आया होता था, तंदूर की भट्टी लगी होती थी, गर्मा गर्म तंदूर बना होता था, लच्छा पराठा बना होता था, मेसी रोटी बनी होती थी, नान बने होते थे, पूरियां तली होती थी, पराठे बने होते थे, कचौड़ियां तली गई होती थी, और ये सब हम सारे भाई बैठकर मिल बांटकर खाते थे। अब इसी बात को आप अगर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें तो सिर्फ अंकल, कजिन और ब्रेड ही भर रह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी सोच को भाषा परिवर्तित करती है, और भाषा अगर अक्षम हो तो सोच अभिव्यक्त नहीं हो सकती, और किसी संस्कृति को अगर मारना हो तो पहले उसकी भाषा मार दें। तो आज समझते हैं भाषा और सोच के बीच का संबंध, और उदाहरण लेते हैं क्या कहते हैं दो प्रमुख मनस्वित, एक जीन पियाजे और दूसरे लेव वर्ट्स्की। तो जीन पियाजे साहब का कहना यह था कि भाषा की जो क्षमता होती है उसका सोच से कोई लेना देना नहीं है। सोच की जो उत्पत्ति होती है वो संवेदनाओं के आने से होती है। किसी भी तरह का एक सेंसरी इनपुट अगर हो तो सोच पैदा हो जाती है, चाहे वो देखकर हो, सुनकर हो, चखकर हो, सूंघकर हो, वगैरह वगैरह। तो सोच पहले आ जाती है। पियाजे साहब ने साफ साफ बोल दिया, देयर इज नो रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में या बौद्धिक विकास में भाषा का कोई भी रोल नहीं है। वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे, पैदाइशी 1896, 1980 तक काम किया। जिस थ्योरी को उन्होंने दिया, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे खूब पढ़ा जाता है, उसके तीन प्रमुख बिंदु हैं। पहली बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ स्कीमास, दूसरी बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ अडाप्टेशन या अडाप्टेशन प्रोसेसेस, और तीसरी बिंदु है फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या विकास के चार मुख्य चरण। कौन से चार हैं? पहला सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उनका कहना यह था कि जैसे बच्चा पैदा होता है वो सोच लेके पैदा होता है, भाषा पीछे आती है। जैसे बच्चा 2 साल का होता है भाषा आती है, वो खुद से बड़बड़ाना शुरू करता है, और उस बड़बड़ाने का कोई मूल्य नहीं होता किसी भी तरह के विकास में, और उसे उन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा, जिसका कोई मूल्य नहीं होता बौद्धिक विकास में। जैसे वो 7 साल का होता है वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है समाज में उठने बैठने के लिए, काम करने के लिए, जैसे कि वो अन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करता है, और उसे उन्होंने सोशल स्पीच कहा। हाँ, वो जरूर काम का होता है। उन्हें जब बोला गया कि अच्छा तो ये बताएं कि भाषा और सोच आते कैसे हैं, तो उनका कहना यह था कि जैसे बच्चा पैदा होता है सोच पहले आ जाती है, भाषा धीरे धीरे आती है, और जैसे बच्चा और बड़ा होता है सोच और भाषा एक दूसरे के ऊपर आच्छादित तो होती हैं, लेकिन सोच बहुत बड़ा दायरा रखता है, बहुत तरह का है, और भाषा एक छोटा दायरा रखता है। कई चीजों को हम सिखा नहीं सकते सिर्फ भाषा के माध्यम से। साफ सीधी बात थी जीन पियाजे की, उनका कहना था भाषा एक दूसरी क्षमता है, सोच के विकास के ऊपर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उस तरफ अगर आप देखें तो रशियन साइकोलॉजिस्ट हुए लेव वाइगोट्स्की, जो कि वही 1896 को पैदा हुए, लेकिन 38 साल के कम उम्र में गुजर गए। एक बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपना काम आधा अधूरा छोड़ गए थे। उनका कहना यह था कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए, तो भाषा का एक अच्छा खासा किरदार होता है, एक अच्छा खासा रोल होता है संज्ञानात्मक विकास में। उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है 4 तरह की मुख्य क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। पहला ध्यान, अटेंशन, दूसरी बात अनुभूति या सेंसेशन, तीसरी बात बोध या परसेप्शन, और चौथी बात स्मृति या मेमोरी। बच्चा इन चीजों को लेकर पैदा हो जाता है, और जैसे अपने इन्वायरमेंट या अपने आसपास के परिवेश और वातावरण से अनेक तरह की उद्दीपन पाता है,
तो इन क्षमताओं का इस्तेमाल करता है आने वाले उद्दीपनों को संश्लेषित करने में, और धीरे धीरे उसकी मानसिक क्षमता बढ़ती है आपो आप। तो क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड मेंटल फंक्शंस डेवलप एज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कम इन। एज सोफिस्टिकेटेड मेंटल फंक्शंस डेवलप द चाइल्ड बिकम्स मच मोर इंडिपेंडेंट। तो उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वयं काम करने की क्षमता बढ़ जाती है जैसे जैसे वो अपने परिवेश से कई तरह के उद्दीपन पा जाता है। वॉयकॉट्स्की साहब ने भाषा के बारे में क्या कहा, उन्होंने तीन बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोला कि पहली भाषा जो पहली बार आती है वो लगभग 4 साल के नीचे आती है, जिसे वो सोशल स्पीच बोलते हैं। यानी कि आप अगर 10 बच्चों को देखें तो खुद से ही बातें करने लग जाते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। उनका कहना ये था कि जब वो खुद से बातें करते हैं तो अपने सोच को एक ढांचा देते हैं, जो उन्हें करना होता है उसके विषय में बात करते हैं। अहम है सोच को एक ढांचा देने में। दूसरी तरह की जो बात आती है वो है प्राइवेट स्पीच, जो कि 4 साल से 7 साल के बीच आती है। जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है या खुद से बातें करता है उस समय आप उसकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन वो अब अपनी भाषा का उपयोग करता है अपनी सोच को और नियमबद्ध तरीके से बांधने के लिए, तो सोच उसकी और बेहतर सुसज्जित हो जाती है भाषा के चलते। जब वो 7 साल के ऊपर होता है तो वो बाहरी तौर से बातें नहीं करता, अब वो अंदर अंदर बातें करता है, जैसे कि हम आप भी बातें करते हैं कई बार, उसे उन्होंने इनर स्पीच कहा। इस तरह सोच के विकास के लिए भाषा एक औजार के तरह इस्तेमाल में लाई जाती है। उनको पूछा गया कि अच्छा ये तो बताएं कि भाषा और सोच ये एक दूसरे से किस तरह से मिलते हैं। तो उनका कहना था कि बच्चा जब पैदा होता है तो भाषा और सोच दोनों की क्षमता लेकर पैदा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल होते होते सोचने की क्षमता और भाषा की क्षमता एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, और 2 साल के ऊपर तो ये बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाते हैं, और भाषा कई एक बार सोच को आच्छादित कर लेती है, यानी कि भाषा सोच को एक ढांचा दे देती है। उनका कहना यह भी था कि बच्चा जो भी सीखता है या बच्चा का जो भी विकास होता है वो समाज में जो उठता बैठता है अपने से वयस्क लोगों के साथ या अपने साथ वाले बच्चों के साथ, तो उनके साथ रहकर कुछ सीखता है, और उस शिक्षण के लेन देन में उस सीखने की क्षमता जो होती है वो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होती है और भाषा के माध्यम से ही होती है। तो भाषा एक हथियार के जैसा इस्तेमाल किया गया। भाषा मनुष्य के सोच को और संश्लेषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। भाषा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया गया, और विकास मनुष्य के क्षेत्र में संभव नहीं है अगर बच्चा भाषा का प्रयोग ना करे। यह था लेफ वर्ड्स की कहना। धन्यवाद।